हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात की फेमस खांडवी की रेसिपी, जिसके लिए हमने देखिए ये आधा कप बेसन ले लिया है, बारीक वाला बेसन है। इसको अच्छे से हमने छान लिया है, ये देखिए इस टाइप से, तो इसमें कोई भी गांठ नहीं है। ये हमने ली है रेडीमेड छाछ जो डेयरी में मिलती है, वेरका डेयरी या वीटा डेयरी या कोई भी मदर डेयरी, प्लेन छाछ ले लें उसकी, घर में बनी हुई है वो भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून के करीब मैंने अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है, कटा हुआ धनिया है 2 टेबलस्पून, और ये ग्रेटेड कोकोनट है, आप देख सकते हैं। इसका मैंने ब्लैक पार्ट निकाल के ना इसको फ्रेशली ग्रेट किया है। मस्टर्ड सीड्स हैं, तिल है, करी लीव्स हैं, हल्दी, नमक और हींग है। तो सबसे पहले हमने बेसन डाला है, इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी, कलर हम नहीं यूज करेंगे इसमें, नमक स्वाद के अनुसार, नमक आप चेक कर लेंगे, और ये हरी मिर्ची वाला पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। अब डालेंगे हम इसमें, ये बिल्कुल 2 पिंच के करीब हम इसमें हींग डालेंगे, और अब हम डालेंगे इसमें छाछ। हमने 1 कप बेसन लिया है तो उसमें ही हम छाछ डाल रहे हैं, सॉरी 1 कप नहीं, आधा कप है ये ऑरेंज वाला जो कप है ना मेरा, ये आधा कप है, हाफ कप लिखा है इसके अंदर। तो हाफ कप हमने बेसन लिया। पहले आप थोड़े से ही शुरू कीजिए, तभी आप अच्छे से बना पाएंगे। इसको करेंगे हम मिक्स, ज्यादा क्वांटिटी में मत बनाइए शुरू में, कम ही क्वांटिटी लीजिए। हाफ कप हमने छाछ डाली है, हम हाफ कप और डाल रहे हैं। इसको भी करते हैं मिक्स। ये हमने आधे का आधा कप और लिया, यानी हम 2.5 गुना जितना हम बेसन लेंगे, 1 कप लिया है तो 2.5 कप, 2.5 से 3 कप मतलब आप डाल सकते हैं, और इस तरह का ये बैटर बन जाता है। तो अब हम इसको एक बार विस्क कर लेंगे। हमने बैटर को विस्क कर लिया है अच्छे से, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। फिर भी हम एक बार इसको छान लेंगे, क्योंकि हम फैलाते हैं ना, तो ये हरी मिर्ची का जो ये है, अदरक का टुकड़ा है, ये कुछ भी ना आए, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे। तो आप डायरेक्ट इसको पैन में स्ट्रेन कर सकते हैं। ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं बचा है, आप देखिए ये इसमें जो है ना, ये हरी हरी मिर्च का, अगर ये अदरक का थोड़ा बहुत पार्ट है वो बच गया है, और बैटर आप देखिए परफेक्टली स्मूथ हो गया है ना, बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तो इससे क्या है, जो भी है आपका जो है उसमें फैलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं है, बस इस तरह का ये देखिए बैटर बन गया है। अब हम गैस को करेंगे ऑन, अब तक हमने गैस को ऑन नहीं किया है, और धीमी गैस पे लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे, चलाते रहेंगे ताकि वो लगे नहीं, चारों तरफ से चलाते रहेंगे, और बैटर थिक हो जाए तब तक हम इसको चलाएंगे। तो क्योंकि फट भी जाता है, गुठलियां भी पड़ जाती हैं, तो इसलिए आपको इसको छोड़ना नहीं है कि गैस पे छोड़कर आप चले जाएं कहीं भी, नहीं, आप इसको लगातार चलाते रहिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। और ये इतना लाइट स्नैक है ना खाने के लिए, कि आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा, केवल बेसन और छाछ से बनता है, ऑयल कम से कम जाता है तड़के में, वो भी आपकी इच्छा पर है, आप कम कर सकते हैं उसको। और जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए ये स्नैक बहुत अच्छा है, हेल्दी स्नैक है, तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुश्किल कुछ नहीं है। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसको ना साइड से भी छुड़ाते जाएंगे। देखिए होने लगा ना थिक, तो कुछ ही समय में थिक हो जाता है, और बहुत लगातार हमें जल्दी जल्दी चलाते हुए इसे पकाना है, यानी जब सारा ही खट्टा होना शुरू हो जाएगा ना, तो तब आपको देखना है। देखिए ऐसे थिक में अगर आपने नहीं किया ना जल्दी जल्दी, तो फिर आपकी इसमें जो बेसन का मिक्सचर है इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी, तो आप ये जरूर ध्यान रखें। और मेरे बनाते बनाते लाइट चली गई है, बट अब मैं बीच में इसको नहीं रोक सकती, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ही थिक हो जाएगा मिलती हूँ आपसे। ऐसे ना थोड़ा सा फैला के ठंडा होने पे हम देखेंगे कि ये हो रहा है अभी नहीं, ये अभी नहीं ऐसे पलट रहा है, देखिए, तो इसका मतलब हमें और इसको पकाने की जरूरत है। देखिए और थोड़ा सा हम पकाएंगे, तो ये आप प्लेट टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से फैला के उसको देख सकते हैं कि फैल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये ना ऐसे यहां से एकदम मुड़ जाना चाहिए, यानी ऐसे थोड़ा सा ये खिसक रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए,
ये हमने थोड़ा सा फिर से फैला के देखा है। हाँ ये थोड़ा सा देखिए टर्न हो रहा है, ये देखिए इसका मतलब अब हमारा जो है ये बैटर थिक हो गया है अच्छे से। अब हम इसको निकाल के फैला लेते हैं जल्दी से। ये देखिए एक तो ये ऐसे इतना थिक हो जाता है, ठीक है देख रहे हैं ना आप, इतना थिक ऐसे हो जाता है। तो यानी ये, और फिर एक आपने प्लेट टेस्ट करके देख लिया, तो यानी ये आपका तैयार हो गया है। थोड़ा हमने बैटर इस तरह से गिरा लिया है, स्लैब को अच्छे से साफ कर लिया है, और इसको ना अब हम इस तरह से फैलाएंगे, ठीक है, किसी भी स्पैचुला की मदद से या जो भी पलटा वगैरह हो आपके पास, ऐसे बिल्कुल अच्छे से एक लेयर बनाएंगे। तो जरा जल्दी करेंगे इसको, क्योंकि गरम जो है ना वो ठंडा ना हो। थोड़ा हमने इस ट्रे पर डाल लिया है, और इसको इस तरह से फैला लेंगे, ठीक है ना। जहां पे भी बीच में कहीं रह गया है तो आप थोड़ा सा और डाल दीजिए उसके ऊपर, कोई ऑयल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है इस पर। इस तरह से हम इसको फैला लेंगे, इसको स्मूथ कर लेंगे, और थोड़ा सा डाल लेंगे इसके अंदर, और बस बड़े अच्छे से फैल रहा है। ये देखिए मैं कैंडल में काम कर रही हूं, कैंडल लगाई क्योंकि ये बीच में मैं नहीं रोक सकती थी। ओ थैंक गॉड लाइट आ गई। देखिए ये कितने अच्छे से फैल गया है। अब हम ना इसके ऊपर, आप चाहें तो ऊपर से ही केवल कर सकते हैं, बट आप चाहें तो अंदर भी ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं फ्रेश कोकोनट। तो मैं इसके अंदर भी स्प्रिंकल कर रही हूँ, और बस थोड़ा सा ये है कि गरम गरम आपको फैलाना पड़ता है जल्दी से। उसके लिए आपको तैयारी रखनी चाहिए, आपका स्लैब साफ होना चाहिए। तो पहले बहुत हल्का हम अंदर के लिए स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा हम हरा धनिया भी स्प्रिंकल करेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और 5 से 6 मिनट हम इसको ठंडा होने की इंतजार करेंगे। ओके अब ये जो मिश्रण है ये ठंडा हो गया है। इसमें आप 1 इंच 1.5 इंच जितने चाहें उतना बड़ा कट लगा सकते हैं। इसको ऐसे कट लगा लेंगे, ठीक है। और मैं यहां आपको दिखाऊं चाकू की मदद से ना, आप इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ये थोड़ा ऊपर से हमारा वो रह गया था, और ये आराम से रोल होने लग जाता है। ये देखिए, अब ये देखिए इसको ठंडा होने के बाद ना आप आराम से पतला पतला ऐसे रोल कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ये देखिए ठीक है, ऐसे ही ये इधर कर लेते हैं। जितना मोटा पतला आपको बनाना है उतना आप इसको बना के रख सकते हैं। देखिए है ना मजेदार, कितने अच्छे से रोल हो रहा है। तो जितना आपको यहां कट करना है आप इतना कट कर दीजिए, नीचे का दूसरा बना लीजिए। तो इस तरह से हम ये सारी खांडवी बना, क्योंकि हमने ज्यादा लंबा फैलाया ना, तो इसमें ऐसा वो नहीं है कि भाई आपको आधा करना है या पूरा नीचे तक लेके जाना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बस इसको ध्यान से थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़े पेशेंस से ऐसे रोल करना है, और यहां से आप इसको कट कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी सी बन के तैयार हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको ये मुश्किल नहीं आएगी, आप धीरे धीरे, और बस एक बार फैलाने में आपको जल्दी करनी है, उसमें उसके बाद आपको कोई जल्दी की जरूरत नहीं है। ये देखिए इस टाइप से आप फोल्ड करते चले जाइए, ये कितनी बढ़िया खानवी बनकर तैयार है ना, यम्मी। तो इस टाइप से हम सारी खांडवी फोल्ड करेंगे और आपसे मिलेंगे। देखिए हमने कोई ऑयल नहीं लगाया है, बस स्लैब को अच्छे से साफ किया है। और ये आप शुरू में प्लेन बनाकर देख लीजिए अगर आपको कट लगाने में और ये मुश्किल लगता है तो, बट बहुत अच्छे से पकी हैं, बहुत ही बढ़िया बनी हैं। तो आइए बनाकर मिलते हैं आपसे। देखिए एक बार फिर आपको मैं बताऊं, आप थोड़ा सा ऐसे नाइफ से इसको उठाइए,
मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। किनारे इसके ऐसे फोल्ड कर लीजिए, यहाँ से थोड़ा स्टार्टिंग जो है वो टाइट से करिए, ऐसे थोड़ा टाइट रखिए और फिर धीरे धीरे इसको ऐसे रोल करते जाइए। जब शुरू में आप टाइट रखेंगे ना तो वो बीच में से लूज नहीं होगा। और नीचे भी आप देख रहे हैं ना, जहां पे ये हल्का सा ऐसे थोड़ा कम लगा हुआ है, ये देखिए नीचे मैं आपको दिखाऊं, यहां कम लगा है तो कोई बात नहीं, बस ये देखिए हो गया रोल। तो कोई ऐसे मुश्किल वाली बात नहीं है। आप देखिए ना ये कितनी अच्छी लग रही है ऐसे रखी हुई। सारी खांड भी इस तरह से आप रखते जाइए, है ना, ये बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। तो इस तरह से हम सारी तैयार कर लेते हैं। और मैं आपको बार बार ये बता रही हूं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक दो बार करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, टेस्ट में कोई फर्क आने वाला नहीं है। अगर आपकी थोड़ी बहुत शेप पहली बार नहीं आती है, बस आपको बारीक बेसन यूज करना है, छाछ में बनाना है, ये देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये पूरा हमने ऐसे कट कर लिया है, ये देखिए धनिया नारियल सब बीच में है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। हमने एक चम्मच तेल गरम होना रख दिया है, अब हम डाल रहे हैं इसमें ये मस्टर्ड सीड्स, थोड़े से डालेंगे हम इसमें तिल हाफ टी स्पून के करीब, साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें करी। गैस को हमने ऑफ कर दिया है और अब हम इसको स्प्रिंकल करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया ये हाफ कप में बन गई हैं, बहुत बढ़िया लग रही हैं। अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे ये कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, ऊपर से डालेंगे हम तड़का, थोड़ा थोड़ा चम्मच से तड़का डालेंगे। तो ये देखिए हमारी ये यम्मी सी खांडवी बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।